हेलो एंड वेलकम बैक टू डैम डिलीशियस। मैं संदीप पांडे डैम डिलीशियस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सुबह का समय है, थर्सडे है, गुरुवार है, साई का दिन है, तो मैं भूख लगाने के लिए तो शाम को कुछ मीठा बनाऊँगा क्योंकि अभी लेट हो रहा है ऑफिस जाने में। अभी मैं बनाता हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगा आज मूंग दाल का प्लेन डोसा या चीला आप कह सकते हैं, विथ करी पत्ते की चटनी। करी पत्ते की चटनी बहुत अच्छी लगती है और ये मूंग दाल का जो चीला है डोसा वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप स्टफ़ करके, वेजिटेबल स्टफ़ करके भी बना सकते हो। मैंने ये स्टफ मूंग दाल का चीला पहले भी बना के आपको दिखाया है, ये मैं बिल्कुल प्लेन बनाऊंगा। ये भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही क्रिस्पी लगती है। और करी पत्ता की चटनी जो है आप उसको किसी बड़े के साथ भी खा सकते हैं, डोसे के साथ, इडली के साथ, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल का चीला और करी पत्ते की चटनी। करी पत्ता की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे करी पत्ता लिया, ये 6 से 7 डंठल करी पत्ता मैंने तोड़ लिया है। ये 1/4 कप किसा हुआ कच्चा नारियल है, ये 1/2 टीस्पून राई है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 3 से 4 हरी मिर्च है, 2 लाल मिर्च है, ये मैंने एक टुकड़ा गुड़ का लिया हुआ है, हींग है पिंच ऑफ, ये चने की दाल ली है मैंने 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने उड़द की दाल ली है, ये 2 टेबल स्पून इमली का पल्प है। गैस पे मैंने तड़का पैन रखा है, यहाँ पे हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अभी पूरा 2 टीस्पून ऑयल हमें चाहिए तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे राई, जीरा यहीं पर डाल देंगे, हरी मिर्च और लाल मिर्च, चने की दाल और ये उड़द की दाल। इसे अच्छे से हमें भूनना है। यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल दे रहे हैं हम, इसे अच्छे से हमें रेड कलर आने तक भूनना है। दाल हमारी भून गई है, आप देख रहे हैं ये रेड हो गई है, तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल को मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है, यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है गैस पे और बाकी का बचा हुआ 1 टीस्पून ऑयल हम इस पे डाल दे रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, यहीं पे हम करी पत्ते डाल देंगे। इसे मैंने अच्छे से धो के उठा लिया था, इसे हम भून लेते हैं, इसमें बहुत पानी होता है। मिनट हो गए हैं, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर देता हूँ। इसे मैंने भून लिया है, इतना ही हमें करना है, 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है। अब सबको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर देंगे। करी पत्ते और नारियल को पुट कर दिए, ये जो मैंने भुना था चने दाल और वो मिर्ची उर्ची, इसको भी मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है वो डाल दे रहा हूँ मैं, गुड़ लिया था मैंने गुड़ डाल दे रहा हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रहे हैं और इसे हम थोड़ा सा पानी, 2 टेबल स्पून पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। इसे भी ग्राइंड किया है, यहीं पे मैं 1 टेबल टीस्पून दही डाल दे रहा हूँ और इसको मिक्स करके, थोड़ा पानी और लगेगा, पानी डाल के मैं पेस्ट बना ले रहा हूँ। करी पत्ते की चटनी हमारी तैयार है, इसे आप डोसा, इडली, बड़े सबके साथ खा सकते हैं। मैं इसके साथ आज बनाऊंगा मूंग दाल का डोसा, या आप मूंग दाल का चीला भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही क्रिस्पी बिल्कुल मूंग दाल का डोसे की तरह बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूंग दाल का चीला। मूंग की दाल का डोसा या चीला बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मूंग दाल लिया था, उसे 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था वॉश करके, और उसके बाद मैंने इसे पीस लिया। ये देखिए मैंने ऐसा पेस्ट बनाया है, नियर अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला था, फिर पीसते रहते हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, ये देखिए इसमें आपके 3-4 चीले बन जाएंगे, इसलिए मैंने 1/2 कप ही अपने फैमिली के हिसाब से मैंने बनाया है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हरी धनिया डाल दे रहा हूँ थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डाल दे रहा हूँ, 1/4 स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। इसलिए मैंने मिर्ची और अदरक पीसते समय ही डाल दिया था, इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा और पानी मिलाया है, नियर अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून मैंने पानी मिला, ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1/2 कप मूंग दाल में मैंने 1/2 कप के लगभग पानी मिलाया है। गैस पे तवा रख दिया है, हल्का सा ऑयल हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे तवे के, बहुत ज़्यादा ऑयल स्प्रेड नहीं करना है, चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। 1 चम्मच बैटर हमने लिया है, अब इस पे
मैं डाल दे रहा हूँ, इसे हल्के हाथों से हमें स्प्रेड करना है धीरे धीरे धीरे। ये देखिए जितना पतला बनाएंगे उतना ही क्रिस्पी होगा। ये बिल्कुल डोसे के, आप चीला भी कह सकते हैं, मैं इसे डोसा ही कहूँगा क्योंकि ये बिल्कुल डोसे की तरह मैं पतला बना रहा हूँ। आप इसमें सब्जियाँ भी स्टफ कर सकते हैं। मैं इसे पहले वाले एपिसोड्स में मैंने एक चीला बनाया था, उससे स्टफ चीला बनाया था मूंग दाल, तो वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो इसे मैं बिल्कुल ऐसा ही प्लेन डोसे की तरह बना रहा हूँ। ये देखिए खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी लगता है, कम ऑयल में भी बन जाता है, बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं खाने में। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दे रहे हैं, इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकने दे। देखिए चीला हमारा सिक गया है अच्छे से, अब मैं इसे रोल कर, बहुत ही पतला, ही देखिए इस साइड से सिक गया, मैं इसे रोल कर ले रहा हूँ। ये देखिए कितना ईजिली रोल हो जा रहा है और बहुत ही पतला बना है। मैं आपको सर्व करके अब दिखाता हूँ। दाल की डोसा और करी पत्ता की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। करी पत्ता की चटनी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही हेल्दी भी होती है। और आप चाहे तो मूंग दाल का चीला स्टफ़ करके भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी बनाया, मेरी पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं स्टफ़ करके बनाया है। स्टफ़ वेजिटेबल भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी करारा बना है, देख रहे हैं आवाज़ इसकी। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो मेरी ये रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डैम डिलीशियस। कल फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।